हेलो एवरीबॉडी, आज हम हीट कर्व पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हीटिंग कर्व होता क्या है? यदि हम किसी सॉलिड को रेगुलर एक कांस्टेंट रेट से हीट प्रोवाइड करें, जैसे आइस का एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, तो थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर पर ले लेते हैं। सपोज -10 डिग्री सेल्सियस पर एक आइस हमारे पास है और उसे कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या? आइस तो किस टेम्परेचर पर मेल्ट होती है? जीरो पर। तो पहले हीट 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, कुछ टाइम लेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन जाएगा यहाँ पर। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो कुछ हीट लेगा, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा, राइट? और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम बन जाएगा, वो स्टीम का टेम्परेचर फर्दर फिर इंक्रीज होगा। तो हीट कर्व कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं हीटिंग कर्व का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओ से ए तक के पोर्शन को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर ऑफ सॉलिड चेंज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ सॉलिड कैसे चेंज हो रहा है? जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने आइस ले लिया, राइट? तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होगा तो उससे पहले उसका टेम्परेचर -10 से 0 तक बढ़ेगा, राइट? तो इस दौरान कुछ ना कुछ हीट लिया जाएगा। वो हीट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब होता क्या है? रेट हम एक कॉन्स्टेंट रेट से प्रोवाइड कर रहे हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? आर डेल्टा टी, कोई इश्यू नहीं है, आर कांस्टेंट हमारा। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हम डिफाइन कर सकते हैं, से आइस है तो हम उसका स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस हीटिंग कर्व से? तो देखें जरा, एस सॉलिड का, जैसे आइस का एस यानी कि स्पेसिफिक हीट, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एम डेल्टा थीटा, राइट? ओके, डेल्टा टी को नीचे ले आए तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/(Δ θ) बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी यानी कि ये स्लोप, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हो गई 1/(Slope of the line), ये लाइन ओ ए। क्लियर है? इसको हमने अगर अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेन अल्फा। क्लियर है? यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ही कम स्पेसिफिक हीट होगी, ये मतलब हो गया यहाँ पर, है ना? ओके, तो चलिए अब सेकेंड पोर्शन पे चलते हैं, ए से बी तक। ए से बी तक क्या होता है? देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग होता है तो स्टेट कन्वर्जन होगा इसके अंदर, है ना? स्टेट कन्वर्जन होगा लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम डेल्टा क्यू क्या कहते हैं? इक्वल टू एम एल। एल क्या है यहाँ पर? लेटेंट हीट। फाइन, डेल्टा क्यू को अपन लिख सकते हैं आर डेल्टा टी। अभी देखा था आर क्या था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। फाइन, ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से एलएफ को। कैसे? कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम डिफरेंस के? जितना ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब उसका लेटेंट हीट ज्यादा है। क्लियर है ये वाली बात? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रोपोर्शनल हो गया T2 - T1, यानी कि इस गैप के लेंथ ऑफ लाइन ए से बी तक, ये लाइन जितनी बड़ी होगी लेटेंट हीट उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है ना? नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं बीसी। अब यहाँ पर क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया एग्जाम्पल के लिए। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक आने में कुछ ना कुछ हीट लेगा। हीट लेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एम एस डेल्टा थीटा से। क्लियर? लेकिन रेट क्या था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं आर डेल्टा टी। तो लिक्विड यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी की स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना चाहें अपन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एस लिक्विड आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एम डेल्टा थीटा। क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड यानी कि यहाँ अगर हमने पानी की बात कर रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी यानी स्लोप के, बीटा के। तो एस लिक्विड हो गया प्रोपोर्शनल टू 1/(Slope of the line BC, फाइन, यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1/10 बीटा। क्लियर? तो दोबारा से ये स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड। क्लियर? जितना कम होगा स्पेसिफिक हीट उसकी ज्यादा, ये मतलब हो गया।
अब सी से डी तक के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि पानी का बॉइलिंग स्टार्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में चेंज होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हीट लेगा, फाइन, टेम्परेचर रहेगा कॉन्स्टेंट। ऐसे केस में हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं आर डेल्टा टी, एल वी का मतलब होता है वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस यानी कि टी फोर माइनस टी थ्री के, क्लियर है, यानी इस लाइन की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ ऑफ द लाइन सी डी, जितनी बड़ी लेंथ होगी सी से डी तक की उतनी ही लेटेंट हीट आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आगे डिस्कशन करते हैं डी से लेकर आगे, इसको ई पॉइंट मान लीजिए। तो अब होगा क्या, ये वेपर बन गया, स्टीम है हमारे पास में, राइट, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, राइट। तो फिर से डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे हम, एम एस डेल्टा थीटा, राइट। डेल्टा क्यू क्या है, आर डेल्टा टी, क्यों रेट क्या मान के चल रहे हैं, डेल्टा क्यू बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ और गिवन द हीट, फाइन। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, यहां पर स्टीम या वेपर की बात कर रहे हैं हम, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एम डेल्टा, और डेल्टा टी को नीचे लाए तो ये तो स्लोप हो गया इस लाइन का। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्लोप ऑफ दिस लाइन डी, राइट, यानी कि 10 गामा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट, क्लियर। अब एक काम करते हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट में। स्पेसिफिक हीट हमने देखा था 10 थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यदि हम ग्राफ को रेफर करें तो अल्फा सबसे ज्यादा था और गामा सबसे छोटा। अल्फा किसका स्लोप था, जब सॉलिड का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे थे। गामा किसका था, जब आप वेपर या गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, राइट। तो 10 अल्फा सबसे ज्यादा हुआ, 10 गामा, लेकिन 10 थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट में रिलेशन क्या आ गया हमारे पास में, कि वेपर की तो सबसे ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इसलिए, और सॉलिड की होगी सबसे कम, क्लियर है, और सॉलिड से ज्यादा किसकी होगी, लिक्विड की, फाइन। तो चलिए इन्हें समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सब्सटेंस ए बी सी, तीन सब्सटेंस हमारे पास, हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पर, राइट। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डेल्टा क्यू क्या होता है, जब भी हम हीट देते हैं एम एस डेल्टा थीटा, तो हमने ऐसा लिखा था आर डेल्टा टी एम एस सॉलिड डेल्टा थीटा, आर क्या था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी बात की थी अपन ने लाइन के। तो एस 10 अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसका कि ये स्लोप मिनिमम होगा उसके स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होगी। स्लोप मिनिमम किसका है इसके अंदर, सी का, सी वाले सब्सटेंस का, जिसके लिए वाली लाइन है, मिनिमम है स्लोप, तो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की, क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्टूडेंट टेक्स 50 ग्राम ऑफ वैक्स, जिसका स्पेसिफिक हीट है 0.6 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। यूनिट पे ध्यान दीजिए, किलो से किलो कैंसिल कर देंगे तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये। एंड हीट्स इट टिल इट्स बॉयल, जब तक कि बॉयल नहीं होता तब तक इसको हीट करते हैं, हीट देते हैं कॉन्स्टेंट रेट से। द ग्राफ इट फ्रॉम द टेम्परेचर द टाइम गिवन है आपको, हीट सप्लाई टू द वैक्स पर मिनट कितना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब हीटिंग वाला याद करो, ओ से ए तक वाला ग्राफ अपना, तो टेम्परेचर सॉलिड चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, राइट। इसे हम आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्यों कि रेट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब देखिए ओ से ए तक का लाइन ले लें, यहाँ टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 मिनट, यूनिट मिनट के अंदर है। मास कितना गिवन है, 50 ग्राम, जैसे हमने बताया किलो से किलो कैंसिल हो गया तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यूनिट लिख कर दिखा रहे हैं स्पेसिफिक हीट। चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस 0, 0 से 50 तक इसको किया है, फाइन। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस आपका कैंसिल हो जाएगा यूनिट, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ केवल कैलोरी बचेगा, राइट, बाकी एज इट इज है 50, और 50 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 0.6, ठीक है,
देखिए एक डेसिमल से जीरो कैंसिल हो गया, 5 6 30, 30 को 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 कैलोरी। तो आर क्या आ गया, 1500 कैलोरी पर मिनट की रेट से हीट सप्लाई किया गया है किसे, वैक्स को। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलते हैं। टू सब्सटेंसेस ए एंड बी ऑफ इक्वल मास एम आर हीटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट, 6 कैलोरी पर सेकंड की रेट से हीट दे रहे हैं, जैसा कि ग्राफ में दिखाई दे रखा है। ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस की बात हो रही है। अंडर द सिमिलर कंडीशंस ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड द टाइम, फिगर में रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब एच ए और एच बी, एच या हीट कह दिया आपको कंप्लीट फ्यूजन के लिए, तो फ्यूजन वाला पोर्शन कौन सा है, यहाँ पर बात हो रही है मेल्टिंग वाला एक तरीके से, है ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। क्लियर है? मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर तो यहीं पर कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो रिप्रेजेंट द चेंज इन द स्टेट यानी मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड की बात हो रही है। क्या था, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, सहमत है इस बात से? आर क्या है, रेट, कॉन्स्टेंट रेट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फाइन, ओके। अब डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डेल्टा टी, टेम्परेचर के, सहमत है? फाइन, तो ये अमाउंट ऑफ हीट को एच बोल रहे हैं यहां पर, एच ए बाई एच बी चेंज इन टाइम डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो गए, राइट? तो ए वाले के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, और बी वाले के लिए बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 माइनस 4। तो न्यूमरेटर में ये 4 है, ये 2.5 है, डेसिमल हटा दें, 40/25, इसको कट कर दें अपन, 5 से 5 5 जा 5 8 जा, तो एच ए बाई एच बी कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8/5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट टोटल हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है, इसे स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, हीट लेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा, सॉलिड है। उसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस का आइस मेल्ट होगा और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना, ये स्टेप्स रहेंगे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा हीट लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक, और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है वो यहाँ स्टेट कन्वर्ट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में चेंज होगा, ये प्रोसीजर रहेगा, राइट? तो आपके पास डेल्टा क्यू, सबसे पहले आइस अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, हीटिंग ऑफ द आइस होगा, उसके बाद में मेल्टिंग में हीट का रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद में वाटर अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा, एंड फाइनली बॉइलिंग में हीट का रिक्वायरमेंट होगा। फाइन, तो रखते हैं वैल्यू डेल्टा क्यू, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एम एस डेल्टा थीटा लिखते हैं, जब स्टेट कन्वर्जन होता है तो एम एल लिखते हैं, है ना, यह फ्यूजन हो गया, वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एम एस डेल्टा थीटा कह दिया, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट कन्वर्जन, तो एम एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कर दिया। क्लियर है? वैल्यू रखते हैं, एम कितना है, 100 ग्राम, राइट? आइस के लिए 0.5 होता है, डेल्टा थीटा आप टेम्परेचर देखिए 0 तक बढ़ाया, -10 से तो 0, -10 कह दिया यहाँ पर, राइट? 100 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, वैल्यू रख दिया हमने, एम 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 सीजीएस में, डेल्टा थीटा 0 से 100 तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, 100 - 0 कह दिया है, 100, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम, तो ये हमने वैल्यू रख दी। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 और ये होगा 10, तो ये तो 5 हो गया, 5 × 100, 500 हो गया, ये हो गया 8000। क्लियर है? ये 100 × 100 10000 हो गया, और ये 540 को 100 से करेंगे तो 54000 हो जाएगा। क्लियर है? चेक कर लीजिए, इनको एड अप कर दें तो क्या आ जाएगा, 72500 कैलोरी, यानी कि आप लिख सकते हैं 72.5 किलो कैलोरी हीट का रिक्वायरमेंट होगा -10 डिग्री सेल्सियस की आइस को 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट टर्न पर हम अभी हीटिंग कर्व में जो चेंजेस ऑफ स्टेट्स देखा था, जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस के आइस है उसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर दें, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस डिस्कशन में हम लोग साथ में रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।